अप्रैल महीने से ही सीमा पर चीन के साथ तनाव जारी है। जमीन हड़पने की कोशिश में लगे चीन ने पहले गलवान घाटी पर हिंसा को अंजाम दिया, फिर 29-30 अगस्त को शेनपाओ गाटपाओ घाटी में चीन ने कब्जे की हिमाकत की, लेकिन यहां भी उसे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में चीन अब सीमा पर युद्धाभ्यास कर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से वो सीमा पर भारी सैनिक बल के साथ साथ हथियार और तोपों की तैनाती कर रहा है, उससे हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। चीनी सरकार के रट्टू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन के अलग अलग हिस्सों से सेनाओं को सीमा पर तैनाती के लिए बुलाया जा रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सुरक्षा विश्लेषकों के हवाले से दावा किया है कि चीनी पीएलए ने सुरक्षा बल और भारी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है और उनके साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अखबार के मुताबिक एयर डिफेंस, सशस्त्र वाहन, पैराट्रूपर, स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री को देश भर के हिस्सों से बुलाकर इस क्षेत्र में लगाया गया है। पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स कैच 6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन के लिए यहां तैनात किए गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया है कि लंबी दूरी के ऑपरेशन, तैनाती के लिए अभ्यास और लाइव फायर ड्रिल कई हफ्तों से जारी है। ये कार्रवाई नॉर्थ वेस्ट चीन के रेगिस्तान और साउथ वेस्ट चीन के तिब्बत क्षेत्र में की जा रही है। इससे पहले चीन सेंट्रल टेलीविजन यानी CCTV ने भी दावा किया था कि पीएलए की 71वें ग्रुप सेना का HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत से गोबी रेगिस्तान पहुंचा है। चीन इस तरह से सैनिकों के मूवमेंट के दम पर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। उसे लगता है कि जिस तरह से वो ताइवान, हांगकांग को डराता है, उसी तरह भारत को भी डरा लेगा। लेकिन वो ये भूल रहा है कि भारत भी उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। ये सेना की मुस्तैदी का ही नतीजा था कि बातचीत के बहाने गलवान जैसी घटना को अंजाम देने के लिए रेजांगला पहुंचे धूर्त चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ कर भगा दिया। इधर भारत और चीन सीमा पर आमने सामने खड़े हैं। उधर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस में अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री की ये मुलाकात 10 सितंबर को रूस में होने वाली है।